तो पाकिस्तान बना है कुरान के लिए, ईमान के लिए। और यहां आज जो बातें चल रही हैं कि ताल्लुकात पता नहीं क्या जहालत है, ये दुआए कनूत तो हर किसी को नहीं आती, आती है ना वितरों में जो दुआए कनूत पढ़ी जाती है, पता है उसके अंदर रोजाना रब से वादा क्या करते हैं, रोजाना रोजाना। ये असल दुआ मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा के अंदर है, इसका हवाला भी मेरे पास है, जिल्द नंबर 2। इसके सिर्फ 2 लफ्ज जो पढ़ते हो रोजाना, वो क्या, वला नकफुरो का आगे व नख लाओ व नत्रो को पढ़ते हो ना, नख लाओ के बाद क्या है, नख लाओ के बाद क्या है, और उसके बाद मैं यफ जोरो का, यह है खारजा पॉलिसी का बयान। नमाज के अंदर रोजाना खड़े होकर रब जो तेरा नाफरमान है हम उससे यूं दूर हैं जैसे जूता उतार के फेंक दिया जाता है, नख लाओ हम उनसे रब्ता तोड़ते हैं, हम उनसे ताल्लुकात तोड़ते हैं, नख लाओ वनत रोको मैं यफ जो रोको। अब नमाज में अल्लाह से यह कह रहे हैं और बाहर निकल के उन्हें सीने से लगा रहे हैं, उन्हें चूम रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने वालों पर गोलियां चला रहे हैं, बिल आखिर हिसाब देना पड़ेगा। और ये हम सबको जरा इसमें भी तवज्जो करो कि जो नमाज में पढ़ते हैं उसका तर्जमा भी सीख लो कि पता हो कि कम अज कम वायदा क्या कर रहे हैं अल्लाह से। अब कितनी अजीब बात है कि रब से रोजाना कह रहे रब तेरे साथ है और जो तेरा नहीं वो हमारा नहीं, हम उसको फेंक रहे हैं, ताल्लुकात तोड़ रहे हैं, लेकिन सारा सिलसिला ही ताल्लुकात बनाने का किया जा रहा है।